नमस्कार, आज हम लोग साइज थ्री पॉइंट वन चैप्टर का सलूशन साइज पॉइंट वन इंस्टैटिसलूशन साइज तो आप देख फर्स्ट चैप्टर है और के बारे में पहला क्वेश्चन देखते हैं पहला क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ए इक्वल टू फाइव नाइन माइनस सेवन थर्टी फाइव माइनस फाइव आई टू ट्वेल्व वन माइनस फाइव एंड सेवन तो क्या बताए थे कि रो किसको कहते हैं और कॉलूम किस कहते हैं रो तो, वो मतलब हो गया सोया हुआ जो लाइन होता है ये यहाँ से यहाँ तक जो है क्या है रो है इस वाले लाइन को रो कहते हैं और हुआ लाइन को क्या कहते हैं कॉलम कहते हैं कॉलम तो हमको पहला क्या निकला ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बताए थे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अगर निकालना होगा निकालना होगा तो क्या कहे थे रो इन कॉलम क्या होगा मतलब रो का नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को आ, मतलब बताना है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है मतलब इस ऑर्डर में ये मैट्रिक्स दिया हुआ तो सीधा बात है तो ये रो, रो की संख्या कितनी है रो की संख्या है? एक दो तो, इतना रो की संख्या है तो पहले हम लोग रो की संख्या लिखते हैं और कॉलम कॉलम कितना है देखिए वन टू थ्री एंड फोर फोर है तो थ्री इंटू यही क्या हो गया ऑर्डर ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ठीक है तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इधर सा बताना होता है कि रो इनटू कॉलम यानी कितना रो है और कितना कॉलम है नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब हो गया कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम का बताना होता है तो so, आ गया पहला का हो गया अब देखते हैं दूसरा नंबर कह रहा है कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स का सा बात है नंबर ऑफ एलिमेंट्स को भी बताने के लिए क्या करते हैं रो इंटू कॉलम को मल्टीप्लाई कर देते हैं ठीक है रो रो नंबर 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 ऑफ 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 कॉलम लिखना होता है ऑटोमेटिक्स में में लेकिन एलिमेंट्स क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं मतलब तो इस मैट्रिक्स में कितना एलिमेंट्स है तो हम लोग जब रो इंटू कॉलम करेंगे रो इंटू कॉलम तो रो इंटू कॉलम कितना है थ्री इंटू फोर है नहीं, नहीं रो की संख्या तीन है और कॉलम की संख्या चार है दोनों तो को मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्वेल्व आएगा है क्या हो गया आपका ट्वेल्व एलिमेंट्स हो गया आपके इस मैट्रिक्स में ठीक है चलिए अब राइट द एलिमेंट्स ए वन थ्री ए वन थ्री के बारे में क्या बताए थे कि ए वन थ्री मतलब फर्स्ट वाले को क्या ब, बोले थे कि रो मानना है दूसरे वाले को कॉलम मानना नहीं है मतलब होता ही है यह, पहले वाला रो होता है दूसरा वाला कॉलम होता है यानी ए यानी फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट सॉरी फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट तो क्या पढ़ेंगे फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट्स या ये भी कह सकते हैं कि थर्ड कॉलम का इधर अगर इसको कॉलम पढ़ेंगे और थर्ड वाले को कॉलम पढ़ें तो थर्ड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट ऐसे भी पढ़ सकते हैं तो ए वन थ्री का मतलब हो गया फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट ठीक है ए वन थ्री निकलना है तो ए वन थ्री इक्वल टू क्या हो जाएगा फर्स्ट रो देखिए फर्स्ट रो कौन वाला है ये वाला फर्स्ट रो है फर्स्ट रो है ना आपका टू फाइव नाइनटीन सेवन माइनस सेवन तो इसमें थर्ड एलिमेंट देखिए ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया ये सेकेंड एलिमेंट हो गया ये थर्ड एलिमेंट हो गया तो थर्ड एलिमेंट क्या हो गया इसका नाइनटीन ए वन थ्री क्या हो गया नाइन्टीन हो गया बना देना है अब निकालिए ए टू वन तो क्या पढ़िएगा सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट या फर्स्ट कॉलम का सेकेंड एलिमेंट क्या फर्स्ट कॉलम का सेकेंड एलिमेंट बताइए नहीं तो सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट बताइए तो इसमें सेकेंड रो कौन है थर्टी फाइव वाला सेकेंड रो है सेकेंड रो में फर्स्ट एलिमेंट कौन है थर्टी फाइव ही है क्या ए टू वन थर्टी फाइव है अब आते हैं ए थ्री थ्री वो आप जैसे पढ़ने का मतलब अगर हमको रो की तरफ से पढ़ना है तो हम लोग क्या बोलेंगे एक थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट, एलिमेंट या इधर से पढ़िएगा अगर क्या कहिएगा कि थर्ड कॉलम का थर्ड एलिमेंट आते की होगा चलिए बताते समझाते इसको थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट देखिए तो थर्ड रो क्या है रूट थ्री वन माइनस फाइव और सेवेंटीन है तो इसका थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट क्या है माइनस फाइव है है ना अगर हम लोग पढ़ते कि थर्ड कॉलम का थर्ड एलिमेंट बताइए तो यहाँ पे थर्ड कॉलम का हाँ थर्ड कॉलम का थर्ड एलिमेंट बोलते हैं बताने के लिए थर्ड तो कॉलम है आपका ये बोला नाइनटीन फाइव बाई टू और माइनस फाइव थर्ड थर्ड कॉलम का थर्ड एलिमेंट भी माइनस फाइव आ रहा है और थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट भी माइनस फाइव आ रहा है आ रहा है कि नहीं ये हो गया ठीक अब चलिए अब ए टू फोर निकालते हैं ए टू फोर ए टू फोर को निकाल रहे हैं तो क्या हो रहा है बताइए सीधा समझिए कि हमको सेकेंड रो का फोर्थ एलिमेंट बताना है सेकेंड रो का फोर्थ एलिमेंट तो सेकेंड रो क्या है थर्टी फाइव वाला है माइनस टू है फाइव बाई टू है और ट्वेल्व तो बताइए तो कौन सा हो जाएगा ट्वेल्व हो जाएगा फोर्थ एलिमेंट ट्वेल्व है क्या फोर्थ एलिमेंट ट्वेल्व है सेकेंड रो का सेकेंड रो हुआ थर्टी फाइव वाला और ये फोर्थ एलिमेंट क्या है ट्वेल्व नहीं है ट्वेल्व हो जाएगा अब आते हैं ए टू चलना है यानी सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट कितना है फाइव बाई टू है ये, element, 35, 2, 2, ये है सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट सेकेंड रो थर्टी फाइव माइनस टू फाइव बाई टू ये सेकेंड रो थर्टी फाइव वाला है फर्स्ट सेकेंड और थर्ड थर्ड एलिमेंट कौन हो गया फाइव बाई टू हो गया फाइव बाई टू यही आपका आंसर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया चलिए आइए तो अब आगे चलते हैं हम लोग टू में क्या बोल रहा है कि इफ मैट्रिक्स हैज जो ट्वेंटी फोर एलिमेंट्स अब किसी मैट्रिक्स में ट्वेंटी फोर इलिमेंट्स दे दिया हुआ है रो इनटू कॉलम का मल्टीप्लाई करने पे हम लोग को ट्वेंटी फोर एलिमेंट्स आना चाहिए <coughs> ठीक है रो और कॉलम को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्वेंटी फोर आना चाहिए तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव क्या तो, कितना ऑर्डर इसके लिए बन सकता है मतलब कितने ऑर्डर में आप इसको सजा सकते हैं ठीक है का पेयर ऑर्डर कितना बना सकते हैं वो बताना है फिर व्हाट इफ़ इट हैज थर्टीन एलिमेंट्स अगर ट्वेंटी फोर के का थर्टीन एलिमेंट्स होता तो कितना ऑर्डर बनता क्या यही क्वेश्चन है तो हम कल बताए थे कि ट्वेंटी जब भी बोले कि इतना एलिमेंट्स दिया हुआ है और इसका पॉसिबल ऑर्डर पूछे तो क्या करने के लिए बोले थे कि इसका प्राइम फैक्टर निकाल देंगे ट्वेंटी फोर का प्राइम फैक्टर निकाल देंगे प्राइम फैक्टर तो मतलब प्राइम फैक्टर करने को तो बताया कि ट्वेंटी फोर कौन कौन से संख्या से कटेगा मतलब तो तो फैक्टर निकाल देंगे इसका ठीक है फैक्टर निकाल देंगे तो ये वन से कटेगा वन से ट्वेंटी फोर फिर टू से भी कट जाएगा इसे भी कट जाएगा, 24, ठीक है? फिर 4 से भी कट जाएगा थ्री एट जा ट्वेंटी फोर ठीक है फिर फोर से भी कट जाएगा फोर सिक्स या ट्वेंटी फोर अब इसके बाद फाइव से तो कटेगा नहीं तो सिक्स से कटेगा अब देखिए यहाँ पर सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर आ गया तो अब इसके बाद क्या करेंगे अब डायरेक्ट थ्री एट जा कितना होता है ट्वेंटी फोर फिर उसके बाद ट्वेल्व टू जा ट्वेंटी फोर एंड ट्वेंटी फोर इंटू वन ट्वेंटी फोर तो ये तो आपका प्राइम फैक्टर निकल गया ठीक है प्राइम फैक्टर निकल गया मतलब इसका अभाज्य गुण, अभाज्य गुणनखंड बोलते मतलब इसका फैक्टर निकल गया गुणनखंड निकल गया ठीक है कौन कौन से संख्या से कट सकता है ट्वेंटी फोर का ये है तो अब हमको ऑर्डर पेयर बनाना है इसका पेयर ऑर्डर बनाना है कि क्या क्या हो सकता है तो ध्यान से देखिएगा करना आपको हो सकता है कि आप ट्वेंटी फोर में क्या करिएगा कि आप एक ही रो ले ठीक है ऑर्डर बनाना है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स तो आपका मन होगा कि हम नहीं रो एक ही ले और कॉलम को ट्वेंटी फोर मतलब एक ही रो में सारे चौबीसों एलिमेंट्स को सजा दें तो क्या हो जाएगा पहला एक रो लिए और चौबीस कॉलम ले लिए तो एक तो ये बन गया मेरा बन गया ना, ना मन किया कि नहीं हम एक के रो में चौबीसों एलिमेंट्स मतलब इस तरह से एक रो है इसी में चौबीस एलिमेंट्स तरह से सजा दिए और फिर बाद में मन किया कि नहीं हम चौबीस को क्या बोलते हैं चौबीस कॉलम हो गया तो हम हम लोग क्या करेंगे जब सोच अब आप बोलिएगा कि हम चौबीस को रो लें इस तरह से चौबीस रो लें और कॉलूम एक ही रहे एक ही कॉलम रहे तो ये भी कर सकते हैं आप चौबीस चौबीस रो और एक कॉलम ये भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं आपका ये फर्स्ट और ट्वेंटी फोर वाला काम तो हो गया अब ये सेकेंड और ट्वेल्व अब क्या बताया था कि ट्वेंटी फोर एलिमेंट्स आना चाहिए रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करने पर ट्वेंटी फोर इंटू वन करेगा तो ट्वेंटी फोर नहीं आ जाएगा और टू और ट्वेल्व लीजिए अब मान ली के हमने हम लोग टू दो गो रो लिए और बाकी बारह बारह गो कॉलम ले लिए ये भी तो बारह दोनों चौबीस एलिमेंट्स आ जाएगा तरह से मान लीजिए कि हमको दो रो लिए इधर ले लिए इधर ले लिए इसमें भी बारह गो एलिमेंट डाल दिए इसमें भी बारह गो एलिमेंट डाल दिए तरह से आपका मैट्रिक्स में बनेगा ठीक है तो एक, एक प्यार ये हो गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में और एक ये भी ये भी हो सकता है बारह टू उल्टा तो ठीक है अब चलिए आइए अब देखते हैं क्या होता है अब थ्री इंटू एट कर देंगे गुना करने पे हमको ट्वेंटी फोर ही आना चाहिए उसके अलावा कुछ नहीं थ्री एट जा ट्वेंटी फोर हो गया चाहे एट इंटू थ्री कर सकते हैं क्या एट थ्री ट्वेंटी फोर और उसके बाद फोर और सिक्स बचा या तो फोर सिक्स कर सकते हैं या, 24, 4 6 या तो सिक्स इंटू फोर कर सकते हैं, तो हैं। यानी आपका यही आठ ऑर्डर पेयर बनेगा पॉसिबल ऑर्डर बनेगा ट्वेंटी फोर एलिमेंट्स के लिए ठीक है ट्वेंटी फोर एलिमेंट्स के लिए यही ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बनेगा और बोल रहा है कि अगर थर्टीन होता थर्टीन होता तो आप क्या करते हैं थर्टीन एलिमेंट्स होता तो क्या करते हैं थर्टीन का हम लोग उसी तरह प्राइम फैक्टर मतलब सीधे फैक्टर निकालिए प्राइम <laughs> फैक्टर निकालने का मतलब क्या प्राइम फैक्टर हाँ मतलब प्राइम फैक्टर नहीं सीधे फैक्टर समझें गुना गुणनखंड तो थर्टीन का जो फैक्टर करेंगे फैक्टराइजेशन करेंगे तो थर्टीन का या तो एक से कटेगा ना तो थर्टीन से कटेगा क्या इसके अलावा कोई संख्या है नहीं है तो इसका ऑर्डर पेयर क्या बन सकता है ऑर्डर क्या बन सकता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स तो या तो वन या थर्टीन बनेगा यानी एक रो और थर्टीन एलिमेंट्स डाल सकते हैं उसमें या थर्टीन रो थर्टीन रो और एक कॉलम हो सकता है हो सकता है ना कॉलम इंटू रो या रो इंटू कॉलम क्या होना चाहिए उतना एलिमेंट्स यानी एक गुन तेरह करेंगे तो तेरह एलिमेंट्स आ जाएगा और तेरह गुना एक करेंगे तो तेरह गुना एक करेंगे तो तेरह एलिमेंट्स आएगा इस तरह से ये आपका सेकेंड क्वेश्चन का भी सॉल्व हो गया थर्ट एलिमेंट सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ये भी है ठीक है थर्ड नंबर क्वेश्चन अगर मेरे पास क्या होता एट्टीन एलिमेंट्स होते एट्टीन एलिमेंट्स वही बात बोल रहे हैं कि रो इन कॉलम करने पे हमको एटीन आना चाहिए ठीक है मल्टीप्लाई करने पे एटीन आना चाहिए तो हम लोग हमको लोग समझ में नहीं आया तो क्या करें पहले फैक्टर निकाल लें यह कौन कौन संख्या से कटेगा एक से कटेगा दो से कटेगा तीन से कटेगा ठीक है फिर उसके बाद छः से कटेगा नाइन से कटेगा और एटीन से अलावा और कोई संख्या नहीं कटेगा एटीन ठीक तो है कटेगा नहीं ना कटेगा इसी के बाद फोर फाइव सिक्स फोर फाइव देखिए फोर फाइव से कटेगा नहीं कटेगा सेवन एट से देखिए नहीं कटेगा नाइन से भी नहीं कटेगा तो यहाँ पे जब सिक्स थ्री जो एटीन आ गया तब सीधे नाइन टू जो एटीन हो जाएगा एटीन तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो सकता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स या तो वन एटीन हो सकता है यानी एक रो और अठारह कॉलम हो सकता है हो नहीं सकता है समझाए ना है मैट्रिक्स अगर हमको एक ही रो लेना है अठारह एलिमेंट्स को डाल देना है अठारह कॉलम बना के इस तरह से डाल देना है तो मेरा मन किया तो अठारह इस तरह से लिया है अठारह कॉलम मतलब अठारह रो रहे हैं और एक कॉलम रहे तो अठारह वन भी हो सकता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स या टू इंटू नाइन भी हो सकता है नाइन या नाइन टू भी हो सकता है आ, या तो थ्री सिक्स भी हो सकता है थ्री रो छः कॉलम हो या मेरा मन हुआ तो छः और रो और थ्री कॉलम कर दें तो कर सकते हैं हम लोग तो किसी भी आ, क्या बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बना सकते हैं और उसके बाद आता है आपको तो अब इसके अलावा थोड़ा हो थो। एक दो तीन चार पाँच छः इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है ठीक है ये गया। और बोल रहा है कि इफ फाइव अगर फाइव होता अठारह अगर फाइव रहता तो क्या करते फाइव का भी निकाल या तो वन से कटेगा तो फाइव से कटेगा इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा या तो वन फाइव होगा तो फाइव वन होगा क्या होगा तो आगे स्ट्र... हाँ इसको अब मैट्रिक्स बनाना है कि टू बाई टू मैट्रिक्स बने हम लोग को मतलब यानी कहने का मतलब क्या हो गया दो रो होना चाहिए और दो कॉलम होना चाहिए होना चाहिए ना तो आपको दिया क्या हुआ है गिवन इक्वल टू दे दिया हुआ है आपको ए आई जे आई को रो कहते हैं और जे को कॉलम कहते हैं ठीक है तो आप इसको तरह से लिख सकते हैं दो रो बोल रहा है ए वन वन दो रो और दो, दो कॉलम बोल रहा है तो ए वन वन और ए टू वन यानी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट और इसी तरह ए, ए वन टू फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट का सेकेंड सेकेंड रो का रो का सेकेंड एलिमेंट तरह से इस तरह से आपका दो रो और दो कॉलम हो गया दो तो रो और दो कॉलम नहीं हो गया हो गया अब सीधा सा बात है अब सब के फार्मूला को बेस्ट रो बना देना है चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका ए आई जे रो और कॉलम ठीक है रो और कॉलम इंटू आई प्लस जे का स्क्वायर बट्टे में यही हमको करना है तो हम लोग फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं मतलब ए वन वन लेते हैं आई के जगह पे भी वन और जे के जगह पे भी वन तो आई के जगह पे वन ले लेंगे और जे के जगह पे वन ले लेंगे का स्क्वायर कर देंगे और तो बाई कर देंगे कोई दिक्कत नहीं तो वन वन टू और टू टू जा और टू तो का स्क्वायर करने पे क्या आएगा फोर आएगा वन वन जोड़ेंगे तो टू आएगा और टू का स्क्वायर कर फोर हुआ फोर बाई टू की है फोर बाई टू की है तो हमको क्या गया इसको काटने पर दो चार, चार यानी दो बार आ जाएगा तो दो आ जाएगा ए वन वन क्या आ गया टू आ गया अब आते हैं अब हम लोग ए वन टू निकालते हैं ठीक है सिर्फ इसी फॉर्मूला पे का हमको सारा मैट्रिक्स बनाना है ना कंस्ट्रक्ट करना है दो बाई टू का मैट्रिक्स तो अभी सब निकाल लेंगे ए वन टू भी निकाल लेंगे ए वन टू निकाल लेंगे हम लोग तो आइए वन प्लस टू वन प्लस टू है टू का स्क्वायर अब आई तो थ्री का स्क्वायर हो जाएगा नाइन नाइन बाई टू हो जाएगा सेकेंड एलिमेंट क्या आ गया नाइन बाई टू आ गया अब आते हैं यहाँ पे बनाते हैं ए टू वन निकालना है ए टू वन निकालना है तो हम लोग टू प्लस वन का स्क्वायर कर सकते हैं और बट्टा में बट्टा में टू है तो प्लस थ्री टू वन प्लस थ्री थी, और थ्री का स्क्वायर करेंगे तो नाइन हो जाएगा क्या हो टाइन बाई टू अब सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट निकालेंगे तो टू प्लस टू का स्क्वायर क्योंकि तो आई के जगह पर टू और जे के जगह पर टू रखे हैं यहाँ बट्टा टू कर देंगे तो टू टू फोर का स्क्वायर सिक्सटी हो अब आई टू हो गया तो काटेंगे तो एट बार में कट जाएगा आपका चारों एलिमेंट मिल चारों एलिमेंट मिल गया चारों एलिमेंट मिल गया तो अब हम लोग का मैट्रिक्स किस तरह दिखेगा चारों एलिमेंट मिल गया हम लोग को आपका आ, तो आपका मैट्रिक्स दस द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इज लिख सकते हैं यहाँ पे दस प्रकार रिक्वायर्ड मैट्रिक्स the द matrix मैट्रिक्स इज the द matrix मैट्रिक्स matrix, matrix क्या हो जाएगा ए इक्वल टू क्या है ए वन के जगह पे जो जो संख्या है उसको डाल दीजिए ए वन के पर क्या आया है टू आया है तो टू रख दीजिए ए वन टू के जगह पे क्या आएगा ए वन टू के जगह पे क्या आया है नाइन बाई टू आया है तो नाइन बाई टू रखिए ठीक और ए टू वन का जगह पर क्या है नाइन बाई टू आया है और ए टू टू की जगह पर एट आया है यही आपका क्या बन गया बन गया तो यही आपका क्या हो गया मैट्रिक्स बन गया कि नहीं चलिए आइए ये यह आपका आंसर हो गया बना लिए नोट कर लिए नोट नहीं किए तो वीडियो को तो पॉज करके नोट कर लीजिएगा आइए अब हम इसका सेकंड सक... तो क्वेश्चन बनाएंगे जाकर ये सेकंड क्वेश्चन क्या है ए आई, आई जे इक्वल टू आई बाई जे छोटा जे होगा बड़ा लिखा आइए आई बाई जे आइए अब इसी तरह से जैसे पहला क्वेश्चन बनाया है ना सेम उसी तरह बनाना आई के जगह पे आई रख दीजिए जे के जगह पे जे रख दीजिए यानी ए वन और निकाल लीजिएगा तो क्या होगा आई के जगह पर वन और जे के जगह पे भी वन तो वन बाई वन यानी इसका आंसर वन हो गया तरह से तो ए आई जे की जगह पे क्या दिया हुआ है आई बाई आई बाई सॉरी आई वाई जे ये छोटा वाला होगा आई वाई जे दिया हुआ है तो i के जगह पे अब ए वन निकाल रहा है तो i के जगह पे भी वन और j के जगह पे भी वन तो वन बाई वन हो गया वन इसका एलिमेंट हो जाएगा ए वन टू का यानी ए के जगह पे पर i के जगह पे वन और j के जगह पे टू वन बाई तो टू तो, अब देखते हैं ए टू वन हाँ ए टू वन निकालना तो ए टू वन निकालना है तो आई तो के जगह पे टू और जे के जगह पे वन हो जाएगा इसका आंसर और ए टू टू का निकालेंगे तो क्या होगा बताइए वाई टू कर देंगे इसका मतलब वन हो जाएगा हो गया कोई दिक्कत नहीं तो निकल अब निकल गया अब रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा मैट्रिक्स ए वन के जगह पे वन रखिए वन और ये इधर क्या हो जाएगा वन बाई टू हो जाएगा टू हो जाएगा और इधर वन हो जाएगा ये आपका रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आसान है नहीं वाला भी इसी तरह बनाना है तो आपके आई की जगह पर रख दीजिए जे की जगह पर जे रख दीजिए आई का मतलब रो होता है जे का मतलब कॉलम होता है चलिए तो आई प्लस टू जे है तब तक निकालिए आप जब तो तक रहा तब तक निकालिए आप आइए, तो तो ए आई आई जे, तो जे बराबर क्या फॉर्मूला दिया हुआ है आई प्लस जे, आई प्लस टू जे है का स्क्वायर है और तो बट्टा में तो चलिए देखते हैं क्या हो तो आ, आई के जगह पे वन रख देंगे एक और टू आई इन टू जे जे कितना है वन है तो टू टू वन ही रहेगा और तो बट्टा टू का स्क्वायर तो मिटा देते ये तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा टू वन जा टू और टू आप वन को जोड़ेंगे तो थ्री हो जाएगा थ्री का स्क्वायर करिएगा तो नाइन हो जाएगा और नाइन बाई टू हो जाएगा ठीक अब यहीं पर देखिए वन ले लिए टू इंटू टू रख देंगे टू ये है तो टू इंटू टू और स्क्वायर हो जाएगा ये और तो बटे टू हो जाएगा टू टू जब फोर अब प्लस वन करिएगा तो फाइव होगा और फाइव का स्क्वायर करिएगा तो पच्चीस नहीं हो जाएगा पच्चीस बाई टू हो जाएगा ठीक अब यहाँ पर हम लोग ए टू वन निकालेंगे तो आई के जगह पे टू रखेंगे और टू वन करेंगे का स्क्वायर कर देंगे और बाई टू कर देंगे टू वन जो टू और टू टू तो जो करिएगा तो फोर हो जाएगा और फोर का स्क्वायर करिएगा तो टू टू जो तो फोर हो जाएगा फोर का स्क्वायर करिएगा सिक्सटीन हो जाएगा और सिक्सटीन बाई टू यहाँ पे एट एट हो जाएगा ये टू से क्या है सिक्सटीन कट जाएगा एट बार में चलिए आइए अब एट टू एट टू टू बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे का वैल्यू मतलब टू तो रहेगा ही आई के जगह पे टू रहेगा ही और प्लस टू इन टू रहेगा इसका ये हो जाएगा बाई टू हो जाएगा टू टू जब जाए फोर और प्लस टू तो सिक्स हो जाएगा और सिक्स का स्क्वायर करेगा तो थर्टी सिक्स अब बाई टू और टू से थर्टी सिक्स कटेंगे एटीन बारे में तो एटीन कट जाएगा हो गया तो नाइन बाई टू ए वन वन के जगह पर नाइन बाई टू और ए वन टू के जगह पर क्या हो जाएगा ट्वेंटी फाइव बाई ए टू वन के जगह पर क्या हो जाएगा एट हो जाएगा और ए टू टू के जगह पर एटी हो गया रिक्वायरमेंट मैट्रिक्स निकल गया आपका ये आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन था वाला क्वेश्चन थर्ड नंबर आइए बन गया कोई दिक्कत ना फाइव नंबर देखते हैं सेम है हाँ देखिए इसमें क्या अंतर है मैं मोड कहीं पे भी नहीं मैं मोड दे दिया हुआ है ये जो है आपका है मोड दिया हुआ है मोड मोड का मतलब क्या समझते हैं अगर इस मोड के अंदर में कोई भी माइनस में रहे तो बाहर निकल के प्लस में हो जाता है ठीक है आइए क्या बता रहा है थ्री इंटू फोर मैट्रिक्स है यहाँ पर देखिए थ्री इंटू फोर मैट्रिक्स है यानी आपका जो एलिमेंट होगा इसमें थ्री रो और चार कॉलम हो जाएगा ठीक है पहले वाले को क्या कहते हैं रो बोलते हैं यानी थ्री रो और चार कॉलम चलिए आइए देखते हैं तो आपको जो दिया हुआ है कॉल करते हैं हम तो लोग कोई मैट्रिक्स है जो आपको दिया हुआ है ए आई जे ये थ्री इंटू फोर के रूप में दिया हुआ है ठीक है और पीछे जो बनाए थे हम लोग टू बाई टू के रूप में था टू बाई टू के रूप में था ठीक है तो ये थ्री बाई फोर यानी थ्री रो और फोर कॉलम होना चाहिए देखिए क्या क्या हो सकता है और तो बनेगा तो यहाँ पे ए वन वन हो सकता है ए टू वन हो सकता है और ए थ्री आइए तो चलिए तब आपका ए वन वन यानी फर्स्ट रो का फर्स्ट इलेमेंट सेकेंड रो का सेकेंड फर्स्ट एलिमेंट थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट इसी तरह फोर्थ कॉलम में करना है हमको सही ए वन टू ए वन थ्री ए वन फोर ठीक है A one two, A one three, A one four. तो क्या कर सकते हैं या ए, ए का ए का जो है फर्स्ट रो का फोर्थ एलिमेंट या फोर्थ फोर्थ कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट ऐसे बोल सकते हैं चलिए आइए तो अब देखिए ए टू टू हो जाएगा ए टू जाएगा और हो जाएगा और और करेंगे तो आएगा ना तो देखिए पे आना चाहिए A3 2, A3 3, 3, और तो तरह का आपका मैट्रिक्स बनेगा तो जैसे जैसे है वैसे बनाइए सीधा बात तो अब हम लोग चलते हैं बनाते हैं यहाँ पे तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ए आई जे इक्वल टू वन बाई टू और मोड दे दिया हुआ है माइनस थ्री आई और प्लस जे मोड दिया हुआ है मोड का मतलब समझा ही दिए हुए चलिए तो अब आते हैं ए वन 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 बाई टू वन बाई टू हो गया और माइनस थ्री आई के जगह पे वन ही रखेंगे इन टू वन और प्लस जे के जगह पे वन रखेंगे चलिए तो क्या हो रहा है वन बाई टू वन बाई टू यहाँ पे माइनस थ्री और प्लस वन तो तीन में से एक जाएगा तो दो हो जाएगा माइनस टू होगा लेकिन हम लोग क्या कहें कि माइनस बाहर निकलता है तो प्लस में हो जाता है वन बाई टू इंटू माइनस टू होगा बाहर निकलेगा तो प्लस में हो जाएगा तो दो से दो ऐसे भी कट जाएगा सर वन हो जाएगा ठीक है ये दो से दो कट जाएगा दो से दो कट जाएगा और ये बच जाएगा आपका क्या वन बच जाएगा माइनस इधर आएगा बाहर निकलेगा तो वन ही रहेगा चलिए अब आते है, A1, हैं ए वन टू निकालते हैं अब इसी तरह निकालिए वन बाई टू डायरेक्ट हम निकाल दें आप लोग तो प्रोसेस से बना लीजिएगा आप लोग डायरेक्ट निकाल देते वन बाई टू माइनस थ्री वन टू वन तो रहेगा ही आप प्लस में हो जाएगा ठीक okay? है तो टू हो जाएगा माइनस थ्री आप प्लस टू करिएगा तो क्या होगा माइनस वन होगा वन ही होगा माइनस वन होगा बाहर निकलेगा तो वन बाई टू ही रहेगा क्या? Yeah? आप इसको प्रोसेस से बना लीजिएगा वन बाई थ्री सब इस तरह से वन बाई टू इस तरह से लिख के इस तरह से मतलब पहला जो बना दिया ना उसी तरह सबका पूरा फुल प्रोसेस वन बाई टू हो जाएगा और थर्ड एलिमेंट मतलब माइनस थ्री इंटू वन रहेगा इंटू वन रहेगा और प्लस में क्या हो जाएगा थ्री माइनस थ्री और प्लस थ्री क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो जीरो से वन बाई टू से गुना करेंगे तो जीरो हो जाएगा ठीक yeah, है थ्री अब प्लस थ्री करेंगे तो जीरो होगा जीरो वन बाई टू करेंगे तो जीरो ए वन थ्री हो गया अब तो हम लोग निकालते हैं ए वन फोर ए वन फोर तो वन बाई टू वन प्लस का फोर हो जाएगा बस जे करना है तो बाई टू माइनस थ्री या प्लस फोर करेगा तो वन हो जाएगा होगा ना माइनस थ्री या प्लस फोर करेगा तो वन नहीं होगा माइनस थ्री या प्लस फोर थ्री है प्लस फोर करेगा तो चार में से तीन जाएगा तो एक हो जाएगा वन बाई टू इंटू वन करेगा तो वन बाई टू ठीक है मॉड हटता है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाता है ए वन फोर निकल गया इसी तरह आगे भी है ए टू वन निकालेंगे ठीक है ए टू वन निकालेंगे तो वन बाई टू तो माइनस थ्री आई के जगह पे टू और प्लस वन एक के जगह पे वन तो तीन दूनी छः एन माइनस छः और प्लस एक एन माइनस फाइव हो जाएगा और फाइव बाहर निकलेगा तो प्लस में रहेगा यानी फाइव बाई टू एट टू टू निकालेंगे वन बाई टू माइनस थ्री इंटू टू और प्लस टू एक तो माइनस सिक्स और प्लस टू यानी माइनस फोर और टू को फोर से काटेगा टू हो जाएगा एक प्लस में टू हो जाएगा तो अब इसमें प्लस में आएगा तो क्योंकि मोड में माइनस में रहता है तो नि, बाहर निकलता है तो क्या होता है प्लस में हो जाएगा हम लोग निकालेंगे अब हम लोग क्या निकालना है ए टू थ्री निकालना है तो वन बाई टू माइनस थ्री इंटू टू तो रहेगा ही रहेगा प्लस थ्री जा, जाएगा ठीक है माइनस सिक्स सिक्स प्लस थ्री करेंगे तो माइनस थ्री होगा माइनस बाहर निकलता है मोड के तो प्लस में जाता है तो थ्री बाई टू हो जाएगा ठीक कोई दिक्कत नहीं और अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे ए टू ए टू फोर निकालेंगे वन बाई टू माइनस थ्री इंटू टू प्लस क्या हो जाएगा फोर हो जाएगा माइनस सिक्स प्लस फोर यानी माइनस टू टू बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा वन हो जाएगा टू बस टू से टू कट जाएगा टू तो से टू कट जाएगा तो क्या हो जाएगा वन बच जाएगा चलिए तरह से हम लोग यहाँ तक निकाल लिए तरह आगे निकालना है आगे निकलना है इसका अभी इसका शोषण नहीं कर रहा है बाहर वाला का मतलब ए थ्री वन निकालना है ए थ्री वन निकालना है क्या था वन बाई टू था ना वन बाई टू एंड टू थ्री आई प्लस तो यहाँ पे वन बाई टू रख देंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे वन बाई टू रख देंगे माइनस थ्री इंटू थ्री होगा माइनस थ्री इंटू थ्री हो जाएगा और uh, प्लस में वन हो जाएगा नौ माइनस नौ प्लस एक आठ आठ बाई टू करिएगा तो क्या हो जाएगा फोर नहीं हो जाएगा इन तेई नौ नौ में से एक गया तो आठ यानी माइनस एट एट बाहर निकलेगा तो प्लस एट एट बाई टू यानी फोर हो जाएगा एट थ्री टू इंटू ए प्लस टू माइनस सेवन तीन तिहाई नौ माइनस नाइन प्लस टू करेगा तो माइनस सेवन सेवन बाहर निकलेगा तो प्लस सेवन रहेगा टू ठीक है चले अब आते हैं ए थ्री टू ए थ्री थ्री तो अभी एट थ्री थ्री ए थ्री थ्री करेंगे तो क्या होगा वन बाई टू में माइनस थ्री इंटू प्लस थी. तीन तीन नौ तीन छः नौ और प्लस तीन यानी माइनस नौ में तीन जाएगा तो माइनस छः हो जाएगा और छः छाई टू करेंगे तो क्या हो जाएगा थ्री आते हैं ए थ्री ए थ्री फोर करेंगे तो वन बाई टू और इधर क्या हो जाएगा माइनस थ्री इंटू थ्री और प्लस फोर तीन तीन नौ चार पाँच माइनस फाइव है तो बाहर फाइव निकलेगा तो फाइव हो जाएगा यानी फाइव बाई तो थोड़ा आपका सब निकल गया तो आप क्या लिखेंगे दस द रिक्वाड मैट्रिक्स दस दिक्वाड मैट्रिक्स इज मैट्रिक्स तो क्या हो जाएगा आया है उसको लिखिए क्या वन, वन आया है वन बाई टू आया है जीरो आया है जी से पीछे देख लीजिए क्या आया है। बुक में लिख क्या में लिख रहा है ना किताब मतलब नोट कर रहा है ना आप तो आपको आया था ए वन वन आया था वन बाय टू सॉरी वन आया था वन आया था वन हो गया वन बाय टू हो गया जीरो हो गया और वन बाय टू आया था

अब यहाँ पे देख लीजिए जो जो आया लिख लीजिए ए थ्री वन कितना है फोर आया है यहाँ सेवन बाई टू आया है थ्री आया है और फाई बाई आपका क्या हो गया वी बाई फोर का मैट्रिक्स हो गया वी बाई फोर का मैट्रिक्स हो गया यही आपका आंसर है ठीक रिक्वायर मैट्रिक्स अब सिक्स नंबर क्वेश्चन में चलते हैं ये समझ में आ गया तो सॉरी ये एक दूसरा भी बनाना है अभी ना फर्स्ट तो बन गया अब सेकेंड बनाते हैं आइए हो गया तक आप कोशिश करिए तब तक हम उसको नहीं क्या है क्या दिया हुआ है दिया हुआ आपको ए ए आई जे एक टू टू आई माइनस जे बन जाएगा आई का वैल्यू क्या क्या है रो क्या क्या है फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो ये ना तीनों रो तो है ये है जे का वैल्यू क्या है कॉलम यानी वन टू थ्री फोरिए गुने आई करिएगा तो आई माइनस जे कर टू इंटू वन अब माइनस वन तो दो में से एक गया तो एक ए वन वन कितना जाएगा वन आ जाएगा तो ए आई जबराब क्या दिया हुआ है आई माइनस जी चलिए तो क्या करेंगे टू इंटू वन माइनस वन तो दो में से एक गया तो एक टू टू वन या टू माइनस वन तो वन जा तो हो जाएगा ए वन टू है टू इंटू वन माइनस टू दो तो माइनस दो जाएगा तो जीरो हो जाएगा फिर तो टू इंटू वन माइनस थ्री थ्री में से टू जाएगा तो माइनस वन हो जाएगा थ्री टू माइनस थ्री करेंगे तो माइनस वन तो नहीं होगा इंटू वन माइनस फोर दो में से चार घटाएंगे तो माइनस टू हो जाएगा चलिए अब आ देखते हैं आगे वन है टू इंटू टू माइनस वन वाई माइनस जे चार में से एक जाएगा तो तीन हो जाएगा टू इंटू टू माइनस टू चार में से दो जाएगा तो दो हो जाएगा इसी तरह इंटू टू माइनस थ्री चार में से तीन जाएगा तो एक हो जाएगा इसी तरह टू इंटू टू माइनस फोर करेंगे तो चार में चार जाएगा तो जीरो हो जाएगा क्या आसानी से ये थ्री वन करिएगा तो क्या होगा टू इंटू थ्री और माइनस वन करिएगा तो छः में से एक गया तो पाँच हो जाएगा ए, टू इंटू थ्री माइनस टू करिएगा तो चार हो जाएगा फिर 3, माइनस थ्री तीन जाएगा तो तीन हो जाएगा फिर टू इंटू थ्री या माइनस फोर करिएगा तो चार जाएगा तो दो हो जाएगा हो गया देख लीजिए क्या क्या आया है आपको वन आया है जीरो आया है वन आया है माइनस टू रो में क्या क्या लिखना है वन टू वन जीरो माइनस वन वन जीरो माइनस वन और माइनस टू एक उसके बाद थ्री आया था वो आया था वन आया था जीरो आया था देख लो क्या क्या आया है फाइव फोर थ्री टू फाइव फोर नहीं आया है थ्री टू वन जीरो तो है इधर माइनस वन माइनस टू सही है क्या कोई दिक्कत नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं आंसर हो गया अब आते हैं नंबर क्वेश्चन इसको तो इक्वल कर देना है डायरेक्ट इक्वल करके एक्स का वैल्यू वाई का वैल्यू जेड का वैल्यू नहीं निकल जाएगा बहुत आसान है चलिए देखते हैं इक्वल करके आंसर तो बना दे एग्जाम्पल में बताए थे तो क्वाल मैट्रिक्स पढ़े होएगा। एग्जाम्पल में ऐसे पढ़े हुए मतलब एग्जाम्पल वाला हम वीडियो नहीं बना पाए हैं कोई तो बात नहीं आप समझ लीजिएगा समझाएंगे तो समझ तो तो में आ ही जाएगा क्वाल मैट्रिक्स यानी चार के जगह पे वाई तो ये जो इधर जो है फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट इधर का भी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट समझे वही होता है बड़ा इक्वल मैट्रिक्स होता है इक्वल करके सबका वैल्यू बता देना है आइए, तो सिक्स नंबर है फर्स्ट है फर्स्ट आपका जो है मैट्रिक्स लिख लेते हैं हम लोग और है एक्स है फाइव है इक्वल टू है वाई जेड वन एंड फाइव ठीक तो देखिए फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट और इसका फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट दोनों बराबर होगा देखिए हमको क्या क्या, क्या निकालना है एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे देखिए हमको एक्स बराबर क्या हो जाएगा एक्स यहाँ पे सेकेंड रो में फर्स्ट एलिमेंट है तो इसका भी सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा वन हो जाएगा अब वाई का वैल्यू देखिए यहाँ पे फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट है इसका भी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट यानी वाई इक्वल टू फोर ए वाई वाई इक्वल टू फोर यही अब z z है फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट है जेड इक्वल जेड है टू नहीं समझेगा एड इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्री हो जाएगा तो जेड का वैल्यू नहीं निकल गया कितना आसान है बहुत आसान है तो मैट्रिक्स चैप्टर बहुत आसान है खाली समझने का देर है आगे बनाइएगा तब तो पता चलेगा थोड़ा सा है देखिए तो बहुत आसान चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर अब देखिए तो हम लोग सेकेंड का बनाएंगे यहाँ पे सेकेंड नंबर क्वेश्चन है डायरेक्ट बना दे रहे हैं क्वेश्चन है नहीं लिख रहे हैं एक्स प्लस वाई के बराबर में सिक्स कर देंगे एक्स प्लस वाई के बराबर में सिक्स कर दिए ठीक और यहाँ पे देखिएगा हाँ और ये एक वाई के बराबर में आठ कर दीजिएगा एक्स वाई इक्वल एक टू तो आठ कर दीजिएगा आठ कर दीजिएगा और यहाँ पे देखिए फाइव प्लस जेड इक्वल टू फाइव के जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा फाइव माइनस फाइव हो जाएगा जेड का वैल्यू तो निकल गया जीरो जेड का वैल्यू निकल गया बच गया एक्स और वाई का निकालने चलिए आइए हम लोग देखते हैं आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर अब माइनस फोर ए बी हो और याद होगा सही मतलब चलिए तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस फोर ए बी अगर इस पर बैठाते हैं हम लोग तो क्या होता है चलिए तो ए माइनस बी यानी एक्स माइनस वाई कस सकते हैं एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर कह सकते हैं कोई दिक्कत नहीं तो यहाँ पे देखते हैं तो तो हम लोग कह सकते हैं कि जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो प्लस वाई कितना है छः है एक्स प्लस वाई छः है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बोल सकते हैं इसको माइनस फोर एक्स वाई कह सकते हैं कहे तो है करेंगे अला क्या बात चलिए तो सबके जगह सब का वैल्यू रखिए बनाइए इसको चलिए आइए तो सिक्स का स्क्वायर किए तो थर्टी सिक्स आया टू फोर इंटू एट कर सकते हैं एक्स वाई की जगह पे एट रख दिए हैं तो, तो क्या हो जाएगा छत्तीस छत्तीस माइनस बत्तीस कीजिएगा तो कितना चारा आया चार आया मतलब एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर कितना आया चार आ गया आ गया चार ठीक है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर तो आप ये लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई इक्वल टू रूट अंडर फोर लिख सकते हैं जब स्क्वायर को घटाइएगा हटाइएगा इधर से तो रूट हो जाएगा रूट फोर का क्या क्या आ सकता है एक बार तो प्लस टू भी आ सकता है और माइनस टू भी आ सकता है, तो है हाँ आ जाएगा ना को आ सकता है या तो प्लस टू भी आ सकता है प्लस माइनस टू हो सकता है अब आगे इसको इक्वेटिंग करेंगे आगे करते हैं इसको तो एक एक बार तो आपको x माइनस वाई बराबर टू आया है पहले एक बार टू रख के प्लस टू रख के देखते हैं ठीक है प्लस टू और इधर क्या है एक्स प्लस वाई बराबर छः है एक्स प्लस वाई बराबर छः है छ है तो इस तरह से इसमें जब इसको इक्वेटिंग करिएगा ये एक फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं ठीक है दोनों को जोड़ देते हैं तो एक्स प्लस एक्स करिएगा तो टू एक्स हो जाएगा आप माइनस वाई में से वाई जाएगा तो ज़ीरो हो जाएगा तो वाई कट जाएगा वाई वाई कट जाएगा ये वाला ये कट जाएगा टू तो एक्स इक्वल टू एट हो जाएगा एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा फोर हो जाएगा एट वाई टू करिएगा तो फोर हो जाएगा एक्स का वैल्यू फोर हो गया तो यहाँ पर कहीं पर भी फोर रखिए आप तो नहीं फोर रख दीजिए तो एक्स प्लस वाई बराबर सिक्स है तो एक्स के जगह पर फोर रखिएगा एक्स प्लस वाई बराबर सिक्स है एक्स के जगह पर हम लोग फोर रख दिए वाई के जगह पर वाई रहना दिए या सिक्स रह y बराबर छः में से चार जाएगा तो दो हो जाएगा हो जाएगा इन इक्वेशन टू इन इक्वेशन ठीक है इनक्वेशन टू मतलब एक्स का वैल्यू रखने पे तो आपका क्या आ गया एक्स का वैल्यू एक बार फोर आया एक बार टू आया एक तो ये हो गया अगर हम लोग इक्वल टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस टू रखते हैं यहाँ पे क्या रखते थे प्लस टू रखे थे अगर माइनस टू रखते तब क्या होता वेटिंग करते हैं और x प्लस वाई बराबर सिक्स हमको दिया हुआ है एक्स दिया हुआ है तो इसको फिर जोड़ दीजिए क्या है कि प्लस माइनस क्या है कट जाएगा इसलिए जोड़ रहे हैं हम टू एक्स तो प्लस वाई से माइनस वाई कट जाएगा बराबर छः में से दो जाएगा तो चार हो जाएगा इसलिए एक्स बराबर क्या हो जाएगा चार वाई टू यानी बार में ये कट जाएगा तो दो आ जाएगा एक्स बराबर दो आ जाएगा तो भी मान लीजिए समीकरण थ्री मान लीजिए इसको समीकरण फोर मान लीजिए हम लोग इस एक्स का वैल्यू समीकरण फोर में रख रहे हैं इन इक्वेशन फोर इक्वेशन फोर टू क्या हो रहा है इन इक्वेशन फोर कर रहे हैं तो मतलब एक्स प्लस वाई इक्वल टू सिक्स दिया हुआ है एक्स के जगह पर टू रखे हैं और वाई इक्वल टू छ हो गया तो वाई बराबर क्या हो जाएगा ए माइनस दो इक्वल टू चार आ जाएगा एक्स का वैल्यू दो आया एक तो आया चार आया और इधर क्या आ गया वाई और ये मतलब एक्स का वैल्यू दो और चार दो वैल्यू एक्स वाई का वैल्यू ठीक है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू एक बार तो फोर आया और वाई इक्वल टू टू आया था या आप ये भी कह सकते हैं और जेड इक्वल टू तो, जेड इक्वल टू तो जी या ये भी कह सकते हैं आप एक्स इक्वल टू टू वाई इक्वल टू फोर तो जेड इक्वल टू तो जीरो हीरो अब इसका हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन बन तीसरा तो, तो बन गया आप तीसरा बनाते हैं तो मिटा देते हैं ठीक इसको पॉज करके आप नोट कर दिए यहाँ पे देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, है? एक्स प्लस वाई जेड चलिए थर्ड नंबर यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या था प्लस वाई प्लस जेड एक्स प्लस जेड एक्स प्लस जेड एंड वाई प्लस जेड वाई प्लस जेड है तो यहाँ चलिए चले आइए जो जो है एक्स प्लस वाई का नाइन है फाइव है और सेवन है कैसा बात है आपको एक्स वाई जेड का वैल्यू निकलना है सबका समीकरण समीकरण मान लीजिए तो हम लोग अगर मान लेते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू तो नाइन इस समीकरण वन मान लेते हैं तो ये क्या हो रहा है इक्वल मैट्रिक्स के तरफ से हो रहा है जो एग्जाम्पल में हम बताए थे इसके बराबर ये है ठीक है चलिए तो एक्स प्लस जेड इक्वल तो टू फाइव फाइव इसको समीकरण टू मान लीजिए और उसके बाद क्या है x प्लस जेड हो गया y प्लस जेड मान लेते हैं सेवन हो गया तो अब हम क्या करते हैं तीनों को इक्वेशन तो थ्री मान लीजिए थ्री मान लिए अब क्या करेंगे हम लोग इसको जोड़ेंगे चलिए तो हमको क्या वैल्यू निकालना है फ्रॉम वन एंड टू से वन एंड टू से आपका क्या निकल सकता है चलिए फ्रॉम वन एंड टू से फ्रॉम एक और दो को करते हैं तो आपको क्या निकलता है x plus y, z इतना है और एक्स प्लस जेड इतना है माइनस करके देखते हैं इसको फर्स्ट माइनस सेकेंड करके देखते हैं फर्स्ट माइनस सेकेंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड जेड इक्वल टू नाइन है और इधर क्या है एक्स प्लस जेड क्या यहाँ पर देखें समीकरण टू का जो है माइनस क्या करेगा एक्स प्लस जेड इक्वल टू फाइव दिया हुआ है एक्स प्लस जेड इक्वल टू फाइव दिया हुआ है समीकरण वन एंड टू से समीकरण वन एंड इक्वेशन वन एंड टू फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू तो ये क्या रहा है एक्स प्लस वाई जेड टू नाइन दिया हुआ है आपको एक्स प्लस जेड का वैल्यू सेकेंड वाला वैल्यू पाँच है एक्स प्लस जेड की जगह पाँच रख सकते हैं वाई प्लस फाइव हो जाएगा वाई प्लस फाइव इक्वल टू नाइन इसलिए वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा नाइन माइनस फाइव मतलब फोर हो जाएगा आंसर मतलब वाई का वैल्यू फोर हो जाएगा कह रहे हैं वाई का वैल्यू फोर हो गया यहाँ पे, तो इससे क्वेश्चन थ्री में क्वेशन थ्री में आप क्वेश्चन थ्री में इसका वाई का वैल्यू फोर रखने पर वाई प्लस जेड इक्वल टू सेवन है वाई का वैल्यू फोर रख दिए फोर प्लस जेड इक्वल टू सेवन इसलिए जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा सेवन माइनस फोर थ्री हो जाएगा थ्री हो जाएगा यहाँ पे जेड का वैल्यू थ्री हो गया अब हमको वाई और जेड का वैल्यू मिल गया ठीक है वाई प्लस वाई और जेड का वैल्यू मिल गया एक्स का वैल्यू भी आराम से निकाल सकते हैं वाई जेड का वैल्यू तो वाई और जेड का भी मिला के यहाँ पर सात वे किया है फोर और थ्री यहाँ पे वाई प्लस जेड है ये है फ्रॉम वन इक्वेशन वन फ्रॉम इक्वेशन वन वन से क्या है एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना है नाइन है और यहाँ पे वाई प्लस जेड दे चुका है सेवन या यहाँ से भी वाई प्लस जेड करिएगा तो सेवन ही आ रहा है तो एक्स प्लस सेवन इक्वल टू क्या हो जाएगा नाइन हो जाएगा और इसलिए एक्स बराबर क्या हो जाएगा नाइन माइनस सेवन यानी हो जाएगा तो एक्स का वैल्यू टू वाई का वैल्यू फोर और जेड का वैल्यू आ गया ठीक आइए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए सेम चीज़ है दोनों को बराबर करके ए एन डी का वैल्यू निकालना है ठीक है चलिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है ए माइनस बी के जगह पर माइनस वन लिख दीजिएगा तो चलिए ए माइनस बी के जगह पर हम लोग वन लिख दिए ठीक है, माइनस वन लिख दिए इसको समीकरण वन मान लिए, एक चलिए अब टू ए प्लस पर सी बराबर फाइव लिख सकते हैं यहाँ से ए, ए माइनस बी लिख ए माइनस बी बीवल टू ए माइनस बी की जगह पर जीरो लिख सकते हैं तो इसको समीकरण टू मान लीजिएगा तो समीकरण थ्री मान लीजिए और समीकरण फोर में मान लेते हैं थ्री सी सी प्लस डी टू थर्टीन तो फोर मान लीजिए अब हमको ए और बी का वैल्यू कैसे निकालेंगे तो इससे और इससे फर्स्ट और सेकंड से आपका ए और बी का वैल्यू निकल जाएगा निकल जाएगा चलिए ऐसे भी कर सकते हैं चलिए अगर हम लोग यहाँ पे फ्रॉम टू से लेते हैं तो बी का वैल्यू ए हो जाए हो जाएगा, हो जाएगा बन जाएगा डायरेक्ट भी कर सकते हैं ए माइनस बी टू ए माइनस बी टू जीरो है ठीक है तो फ्रॉम मान लेते हैं फ्रॉम टू तो टू ए माइनस बी इक्वल टू आपका जीरो दिया हुआ है टू ए माइनस बी इक्वल टू जीरो दिया हुआ है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं टू ए माइनस बी तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बी हो जाएगा यानी बी का वैल्यू टू ए आया तो बी का वैल्यू आप समीकरण वन में रखिएगा फ्रॉम वन से तो क्या होगा ए माइनस बी का वैल्यू कितना है टू ए है ए इक्वल टू माइनस वन रख दिए ए में से टू ए घटाएंगे तो माइनस माइनस ए आएगा ठीक है माइनस ए आ जाएगा इक्वल टू माइनस वन हो गया माइनस से माइनस तो कट जाएगा तो एक्वल टू आपका क्या हो गया इसलिए ए इक्वल टू आपका वन आ गया ए का वैल्यू आ गया ए का वैल्यू जब आ गया तो यहाँ पे बी का वैल्यू भी निकल नहीं जाएगा ए के जगह पे वन रखेंगे तो यहाँ पे पे रखेंगे अगर वैल्यू तो क्या हो जाएगा ई का वैल्यू नहीं निकल जाएगा जाएगावल टू वन इन पुट ए इक्वल टू वन इन इक्वेशन वन में ही रखिए चलाइए इक्वेशन वन में ही रख दीजिए ए इक्वल टू वन तो एक ए माइनस बी इक्वल टू माइनस वन दिया हुआ इक्वेशन वन में ठीक है माइनस वन दिया हुआ तो so, ए के जगह पे वन रखिए और माइनस बी रहने दिए अब बराबर माइनस वन कर दिए तो so, ये माइनस बी इक्वल टू ये वन प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस वन होगा माइनस वन हो जाएगा इस तरह से माइनस बी इक्वल टू माइनस टू हो जाएगा तो माइनस माइनस तक कट जाएगा तो बी इक्वल टू क्या आ जाएगा हुआ जाएगा ए का वैल्यू वन आ गया बी का इक्वल बी का वैल्यू आ गया ए और बी का वैल्यू जब आ गया तो अब समीकरण थ्री में भी ए का वैल्यू रखिए पुट ए इक्वल टू ए इक्वल टू पुट ए इक्वल टू वन इन इक्वेशन इक्वेशन थ्री में रख रहे हैं तो टू ए प्लस सी बराबर फाइव दिया हुआ है टू इंटू वन अब प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा फाइव हो जाएगा 2 C 5, तो टू प्लस सी इक्वल टू फाइव तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा फाइव माइनस फाइव है ठीक फाइव टू ए प्लस सी तो फाइव माइनस टू यानी थ्री हो जाएगा सी का वैल्यू हो जाएगा अब आ जाइए अब ई वैल्यू को क्या रख देंगे फोर में रख देंगे चलिए अब चलिए इक्वेसन फोर में रखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फोर फॉर्म इक्वेशन फोर फोर में हम लोग क्या किए हैं सी का वैल्यू थ्री रख रहे हैं तो इक्वेशन फोर में क्या C plus D equal to 13 दिया हुआ है थ्री सी प्लस डीवल टू थर्टीन दिया हुआ है तो थ्री इंटू थ्री मतलब नाइन थ्री प्लस डी इक्वल टू थर्टीन क्या कर सकते हैं थ्री इंटू थ्री मतलब नाइन और प्लस डीवल टू थर्टीन डीवल टू क्या हो जाएगा माइनस नाइन इक्वल टू फोर आंसर हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं क्या बन गया बनाना था हम लोग ए बी सी डी का वैल्यू निकल गया हम लोग को तो नंबर एट में आई तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अरे स्क्वायर मैट्रिक्स हम कल पढ़ाए थे आप लोगों को स्क्वायर मैट्रिक्स क्या बताए थे कि जिसका रो और कॉलम सेम टू सेम हो तो रो भी बराबर हो कॉलम भी बराबर यानी रो इनटू कॉलम यानी यहाँ पे एम इन एम को रो माना हुआ है और एन को कॉलम बना हुआ है एम रो है और एन कॉलम है तो क्या होना चाहिए दोनों बराबर होना चाहिए तभी ना स्क्वायरमेट्रिक्स हो जाए हो जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स का परिभाषा यही ना है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं एम इक्वल टू एन अब आइए इधर देखते हैं ये तो आप बराबर कर दीजिएगा इसको बना लीजिएगा आप लोग खुद से बना लीजिए आइए देखते बताते हैं इसको तो आप क्या करिएगा थ्री एक्स प्लस सेवन इक्वल टू जीरो करिएगा तो एक्स का वैल्यू एक्स का वैल्यू आ जाएगा माइनस सेवन बाई थ्री आ जाएगा ठीक है और यहाँ पे आप करिएगा तो क्या हो जाएगा एक्स का वैल्यू आपको आया है माइनस सेवन बाई थ्री आ रहा है इस हिसाब से और एक एक्स का वैल्यू माइनस टू बाई थ्री भी आ रहा है आपको ठीक है एक एक्स का वैल्यू आपका माइनस टू बाई थ्री भी आ रहा है इससे से आपको देखिए अगर थ्री एक्स प्लस सेवन इक्वल टू पूरा करते हैं थ्री एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस सेवन हो जाएगा इसलिए एक्स इक्ल टू क्या हो जाएगा माइनस सेवन बाई थ्री हो गया माइनस सेवन बाई थ्री आपको कहीं पे भी नहीं दिया एक्स का वैल्यू तो चलिए अब इस वाले से बना के देखते हैं टू माइनस थ्री एक्स टू माइनस थ्री एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा फोर हो जाएगा ये फोर फोर हो जाएगा तो माइनस थ्री एक्स इक्वल टू फोर में से टू जाएगा तो टू हो जाएगा इसलिए क्या हो जाएगा टू बाई थ्री माइनस टू बाई थ्री ये माइनस वाला इधर चलाएगा माइनस टू बाई थ्री तो इसमें है एक्स एक्स वाला माइनस टू बाई थ्री है पक्का है कि वाई बराबर सेवन ही होगा आपको निकाल ही लीजिए वाई तो ये वो ऑप्शन मिल गया ना तो यही आंसर हो जाएगा ताकि अब एक्स के जगह पर कहीं पर माइनस टू बाई थ्री दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है. तो वाई इक्वल टू क्या हो गया सॉरी वाई प्लस वन वाई प्लस वन इक्वल टू एट दिया हुआ है ये वाई प्लस वन इक्ल टू एट दिया हुआ है तो इसलिए वाई इक्ल टू क्या हो जाएगा एट माइनस वन यानी सेवन हो जाएगा सेवन तो इसी में है टू वाई थ्री इसी में है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ठीक है अब आइए क्वेश्चन नंबर टेन में देखिए ओ हाँ तो देखिए द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मेट्रीसेज ऑप्शन नहीं लिखे हैं ऑप्शन तो नहीं लिखे, तो लिखे देखिए आइए इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको क्या क्या है? इसका ऑप्शन है ट्वेंटी सेवन में एट्टीन एटीन और सी में एट्टी वन और डी में हो जाएगा आपको पाँच सौ बारह पाँच सौ बारह देखिए कहने का मतलब है कि आपको सारा एलिमेंट जो लिंग है इसमें जीरो और वन ही रहना चाहिए और तो थ्री बाई थ्री के रूप में मैट्रिक्स बनाना है आपको थ्री बाई थ्री के रूप में मैट्रिक्स बनाना है तो हो सकता है कि जीरो जीरो वन हम मन किए तो कर दिए नहीं जीरो वन जीरो कर दिए या मन किया तो हम लोग वन वन जीरो कर दिए इस तरह से कर दिए इस तरह से करके आप कितना नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स बन सकता है इस तरह से करके आप कितना बना सकते हैं तो यहाँ पे देखिए थ्री थ्री जा कितना हो जाएगा नाइन हो जाएगा यानी आप एक बार में क्या कर रहे हैं नाइन एलिमेंट्स डाल रहे हैं नाइन एलिमेंट्स डाल रहे हैं ना नाइन एलिमेंट्स एक मैट्रिक्स में डाल रहे हैं और क्या है आपका दो ही एलिमेंट्स लेना मतलब दो ही नंबर लेना है आपको तो दो ही नंबर लेना है और नाइन टाइप्स मतलब नाइन एलिमेंट्स जा रहे टू इन टू टू के पावर नाइन कर दीजिएगा पावर ठीक है टू के पावर नाइन करिएगा तो आपको क्या आ जाएगा पाँच सौ ठीक है इस तरह से मेरा मन किया नहीं वन 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 ले वन वन जीरो वन तरह से करके पाँच सौ बारह मैट्रिक्स बन जाएगा ठीक है पाँच सौ बारह मैट्रिक्स बन जाए टू के पावर नाइन सीधा बात तीन थ्री थ्री जा नाइन होता है और कैलेवन कै नंबर है दो वो नंबर है एक दो के पावर नाइन कर दीजिए और आगे इसी तरह आप चाहते हैं कि और सोल्यूशन आए और क्लास करना चाहते हैं तो आप जीरो फोर नाइन फोर फाइव नाइन फाइव जीरो सेवन टू जीरो फोर नाइन फोर फाइव तो आप कॉल कर लीजिए या व्हाट्सएप कर लीजिए ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं मैथ का क्लास ट्वेल्थ का तो आप कर सकते हैं थैंक यू